हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका रीना रसोई में। आज मैं आपके संग टमाटो सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही इजी है बनाना। और आप देख सकते हो इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है। और ये मेरे कुछ व्यूवर्स की डिमांड थी कि कुछ सूप की रेसिपीज़ दीजिए, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी दो सूप की रेसिपी थी, तो इसीलिए मैंने आज ये टमाटो सूप बनाया। अभी आगे सर्दियाँ, तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। आप देख सकते हो इसका कलर और टेक्सचर सब कुछ कितना अच्छा आया है। मैं जिस प्रोसेस से बनाई हूँ, आप भी उससे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाए। तो चलिए फिर अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने में जो सामग्री लगेगी वो इस प्रकार है कि मैंने तीन टमाटर लिए, आप देख सकते हैं काफी बड़े साइज के, और तीन ही मैंने बीन्स लिए, और एक छोटी सी गाजर लिए। मैंने ऑरेंज गाजर लिया, आपके रेड हो तो रेड ही डाले, यहाँ मिलती नहीं तो मैंने ऑरेंज डाली है। और ये मैंने हाफ टी स्पून बटर लिया, और हाफ टी स्पून ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया। एक मैंने लहसुन लिया है जो कि काफी बड़ा है, अगर आपका छोटा हो तो दो पीस डाल दे। और एकदम आधा इंच के करीब हम अदरक का टुकड़ा डालेंगे। और ये मैंने एक टेबलस्पून शुगर लिया है, और ये मैंने एक पीस ब्रेड लिया है। इसके हम क्रम्स बनाएंगे, ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो मार्केट से रेडीमेड भी ले सकते हो। और ये मैं काली मिर्च और नमक, ये हमारी हो गई सामग्री। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऐसे थोड़ी बड़ी बड़ी ये सारी सब्जियां हम कट कर लेंगे। अब आप देख सकते हो मैंने सारी सब्जियां काट ली है। अब हम इसे इस कुकर में डाल देंगे सारी सब्जियों को, और एक सीटी लगाएंगे इसमें। और हमेशा याद रखें, टमाटर को कभी भी देसी टमाटर ना यूज करें, नहीं तो बहुत ही खट्टा सूप बनेगा। हमेशा हाइब्रिड टमाटर ही यूज करें सूप के लिए। तो चलिए फिर अब हम इसे उबालते। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारा हुआ कि नहीं, और मैंने एक ही सीटी लगाई थी, तो आप देख सकते हैं ये हो गया। मैंने इसमें उबालते समय पानी नहीं डाला था, आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज टमाटर के जूस से भी उबल जाता है। तो अभी हम इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। मैंने मिक्सी के ग्लास में डाल दिया। अब मैं इसके अंदर आधा ग्लास पानी डाल रही हूँ, और अब हम इसे अच्छे से चर्न कर। अब मैंने अच्छे से चर्न कर लिया है। मैं यहाँ पे एक ऐसा पैन लेके, और इसके अंदर ये डाल के इसे अच्छे से हम छान लेंगे। और मैंने ठंडा पानी डाला, इसलिए ठंडा होने का वेट नहीं करना पड़ा मेरे को। अब आप देख सकते हो मैंने अच्छे से छान लिया है, और ये हमारा बहुत ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया है, उसमें ये जो हाफ टी स्पून मैंने बटर लिया है वो डाल देंगे, और इसे मेल्ट होने देंगे। ज़्यादा मेल्ट नहीं होने देंगे क्योंकि बटर जल जाता है, और ये डाल देंगे। देखिए पूरा मेल्ट नहीं हुआ, मैं जो हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लोर ली थी वो डाल दूंगी, और इसे हम अच्छे से इस तरह सेकेंगे। बस हाफ 30 सेकेंड ही लगेंगे, आधी मिनट ही लगेंगे इसको सिकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इससे थिकनेस सूप की बहुत अच्छी आएगी, फ्लेवर भी, और देखिए बिल्कुल ना के बराबर है ये, और टेक्सचर सब कुछ बहुत अच्छा आएगा, कलर भी बिल्कुल रेस्टोरेंट वाले सूप जैसा ही आएगा। अब हमारे 30 सेकेंड हो चुके हैं, तो मैं उसके अंदर ये सूप डाल दूंगी, जो मैंने छान के रखा हुआ था टमाटो प्यूरी वो डाल दूंगी, और हम इसे इस तरह चलाएंगे। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। थोड़ी सी मैंने जो 1 टेबलस्पून शुगर ली थी वो डाल रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हो तो शुगर भी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, अदरवाइज ये बिल्कुल एकदम सही है। और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। मैंने सब चीज़ें डाल दी, अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे थोड़ा अच्छे से खोलने देंगे। और आप देख सकते हो हमारा टमाटर सूप जो है बहुत ज़्यादा ठीक है, तो इसमें हम आधा ग्लास पानी और यूज़ करेंगे। टोटल मैंने ये वाला 1 ग्लास पानी यूज़ किया है। तो अभी हम इसे उबलने देते हैं। एकदम हमारा सूप उबल रहा है, और दूसरी तरफ मैं ये ब्रेड को टोस्ट कर लूंगी। आप चाहो तो इसे फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं हेल्दी ऑप्शन के लिए इसे टोस्ट कर रही हूं। इस तरह उबाल आने के बाद हम 3 से 4 मिनट और अच्छे से उबालेंगे। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। अब हमारा ये सूप बिल्कुल बन के रेडी है, आप देख सकते हो। और एक तरफ मेरा ब्रेड भी टोस्ट हो गया होगा, फिर मैं इसे सर्व करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने ये जो ब्रेड ली थी वो अच्छे से टोस्ट हो गई है। आप चाहो तो फ्राई करो, मैं हेल्दी ऑप्शन के लिए फ्राई नहीं की। और इसके इस तरह हम छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे।
अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। हम इस तरह चार पांच टुकड़े ये ब्रेड क्रम्स के डाल के एक बाउल में जितनी आपकी मर्जी हो इस तरह डाल के हल्की सी हम क्रीम डाल के इसे सर्व करेंगे। आप चाहो तो क्रीम को अवॉइड भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर गेस्ट आए तो आप इस तरह सर्व करके दीजिए। तो ये हमारा बन के बिल्कुल रेडी है। आप इस प्रोसेस से ये सूप की रेसिपी जरूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।